ये रहा हमारा खेत, देख ही सकते हैं। और वो हमारे गांव के कुछ रिश्तेदार वगैरह लगते हैं, बाबा वगैरह, तो वो जा रहे हैं भाई हमारी फसल को छींचने के लिए। देखो दोस्तों ऐसे सिंचाई होता है। ये सिंगल पसली कुछ भी नहीं है, फिर भी भाई थोड़ा थोड़ा इधर विडो में ले ही लेता हूँ अपने आप को भाई। वहां पास दोस्तों हल्का सा वर्नआउट मारा, हे गाइस वेलकम बैक टू माय। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग की शुरुआत अभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है दोस्तों, और मैं जाने वाला हूँ अभी खेत, क्योंकि कल तो ट्रैक्टर वाले लोग नहीं गए थे, तो अभी ट्रैक्टर चला गया मेरे ख्याल से, कॉल किए थे सुबह सुबह। लगता है दोस्तों कि मिट्टी ऊपर नीचे करके वो आ गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद फिर जो धान का बीज है ना, धान वगैरह, उसको फिर छींचेंगे अपन लोग, मैं और सूरज भी है, फिर उसको साइड साइड से रूंधेंगे भाई, क्योंकि जो गाँव माता वगैरह होता है ना, वो जाके उधर ना खाए भाई उसको, और हमारा नुकसान ना हो, ऐसा कुछ सीन है तो ऐसा बनाना पड़ता है। तो चल के आप लोगों को दिखाता हूँ यार सीधा सीधा। पहुंच गया भाई पूरे खेत के साइड में, ये देखो पूरा पीछे तरफ खेत ही खेत दिख रहा होगा, और चल के दिखाता हूँ अपना खेत। ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत होकर होता है भाई चलने में, क्योंकि जो स्लीपर होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं खिसलता अगर आ जाता भाई, और इसके नीचे में पूरा माटी के ना, जो माटी ना चिपक जाता भाई, फिर माटी का एक परत ऐसा बन जाता भाई, तो इसलिए भाई स्लीपर भी चेंज कर लूँ, क्योंकि वो वाला टूट जाता, हुक वाला, और ये अलग है ना, ये तो टूटता ही नहीं ना कुछ भी होता यार इसको, ये बहुत ही अच्छा है इन सभी चीज़ों के लिए। तो अभी जा रहा हूँ, ये रहा हमारा खेत, देख ही सकते हैं। और वो हमारे गांव के कुछ रिश्तेदार वगैरह लगते हैं, बाबा वगैरह, तो वो जा रहे हैं भाई हमारी फसल को छींचने के लिए, तो मैं भी चलता हूँ और आप लोगों को भी सीन दिखाता हूँ। ऐसे देखो भाई इतना ज़्यादा बारिश हुआ है कि देखो ना इकट्ठे भी हो गया बारिश इतना ज़्यादा, और इधर देखो भाई इसको शटिंग किया हूँ तो ये कितना बढ़िया दिख रहा है इधर का, नीचे तरफ से इधर का देखो आगे तरफ का, और ना इतना ज़्यादा झुंझार टाइप का था भाई, इधर सांप बिच्छू भी हो जाते हैं ना, तो फिर दिक्कत होता है पार वगैरह में चलने के लिए। देखो दोस्तों ऐसा सिंचाई होता है ये। आप लोगों को फाइनल रिजल्ट दिखाने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ, ये सभी चीजें मतलब ना एक किसान को जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि फसल वसल ये जो अभी दिए हैं ना आप लोग थोड़ा थोड़ा करके साइड में भाई, जो बीचा मारे थे अभी हमारे गांव के, गांव से रिलेटेड वाले बाबा जी, दादाजी है ना मम्मी, हाँ। वो मारे थे, वो उगेगा पौधा इतना बड़ा बड़ा, उसके बाद फिर उसको भाई पूरे खेत भर में लगवाएंगे, तो ऐसा सीन है दोस्तों। दूसरे के खेत में लगवाते हैं तो उसका ढोआ पड़ता, ढोआ ऐसा सीन है कि उतने दूर से ला रहे जो बनिहार होते हैं ना धान लगाने वाले, वो उतने दूर से ला रहे हैं ना, तो उसका भी चार्ज लगता है दोस्तों, तो हमारे खेत में ही है ना, तो उसका चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ का नहीं का पूरा मतलब छिटाई हो गया है, आप लोगों को और अच्छे से दिखाता हूँ मैं। ये देखो दोस्तों पास से जूम करके दिखाता हूँ, तो ये ऐसा है मिट्टी के ऊपर में दिख रहा है ना दोस्तों, धान धान टाइप का, इधर भी देखो आगे तरफ पूरे एरिया में छिंचा गया भाई, पूरे एरिया में भाई सिंचाई वगैरह हुआ है इसका, पूरे इतने एरिया में दोस्तों। यहाँ का ना दोस्तों जो मिट्टी वगैरह दिख रहा है, इधर से ऐसा करके उस मिट्टी के भाई उधर पहुंचते तक इधर से सिंचाई हुआ है, क्योंकि पानी वगैरह में होता दोस्तों तो सड़ जाता, इसलिए ऊपर ऊपर में हुआ है, ये काफी सही है दोस्तों, एकदम से बढ़िया। इसी में दोस्तों थोड़ा सा खाद वगैरह डालेंगे ना, तो ये काफी तगड़ा और काफी अच्छे से पेड़ाएगा भी, अगर हमारे पिताजी होते तो वो करते हैं, हमको तो इन सभी चीजों में आइडिया वगैरह नहीं है दोस्तों, ना हमको नॉलेज है इन सभी चीजों का, बट और फिर भी अपन लोग आते हैं और जैसा बनता है वैसा करते हैं भाई, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों से भाई खेती किसानी भी अच्छे से हो। और ये रहा भाई पूरा का पूरा मेरा खेत, देख ही सकते हैं ये इतना बड़ा है, वो हमारे चाचा जी का है जस्ट बगल वाला, उधर भी ना 73-75 डिसमिल अलग से है भाई। देखो भाई पेड़ों की छटाई की है तो कितना अच्छा है, ये नीचे तरफ है, वरने इतना ज्यादा झूंझ झड़ाका था भाई, चलते भी नहीं पा रहा था दोस्तों इधर बार वगैरह में, इसलिए छटाई कर दिया मैं मम्मी आके, और फिर जो बचा अच्छा खासा बड़ा बड़ा लकड़ी था ना उसको लेके चली गई मम्मी जी तो निकल गई, मैं ही बस बचा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, बारिश भी हो रहा है देखो थोड़ा थोड़ा करके, सच बताऊं तो इसी बस का चिंता था कि आप लोगों को भी बीज देना है, हम लोगों को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा लगा रहता है टेंशन वगैरह मेरा भी है, तो दो दिन से मेरा इधर ही मतलब पूरा जो मेरा दिमाग था ना वो इसी तरफ था कि कब होगा कब कैसे कैसे, थोड़ा सा टेंशन वगैरह था, बट ये फाइनल हो गया ना तो अपन लोग वीडियो भी अच्छे से बना पाएंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है, बट ऐसा होने नहीं देंगे ये बादल वगैरह, क्योंकि दोस्तों बारिश वारिश तो हो रहा है ना, तो बनेगा तो नहीं मेरे ख्याल से। ये देखो इधर का काफ़ी सही एरिया भाई, देखो थोड़ा थोड़ा पानी है, और फिर ये मिट्टी वगैरह मस्त है भाई, जब ऊपर नीचे होता है ना तो फिर अच्छा रहता भाई, रोटोवेटर में वहाँ का नहीं चला गया भाई, वो ट्रैक्टर वाला, उसी ट्रैक्टर में जुताई वगैरह हुआ है भाई, पूरा फतकई वगैरह इधर का, और फिर पूरा का पूरा खेत हो गया एक दिन में। ये करीबन दोस्तों ये जो
जो बीज दिए हैं दोस्तों, ये करीबन बढ़ने में एक महीना लग जाता है। अगर आप लोग सिटी से हो ना, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा दोस्तों कि गांव तरफ भी जाओ और वहां गने का भाई मजा उठाओ, क्योंकि भाई गांव में सुकून मिलता है भाई। एक्चुअली में जो सुकून बोले जाए ना, वो गांव में ही होता है, एकदम शांति, प्राकृतिक नेचर वगैरह काफी सही होता है भाई। तो इधर मतलब इंजॉय किया करो दोस्तों, मैं तो बोलूंगा वही भाई। सिटी वगैरह भी सही है, बट समर वेकेशन वगैरह में इधर घूमने के लिए आ जाया करे। मैंने बोला था आप लोगों को स्लीपर के नीचे में भाई ये मिट्टी वगैरह चिपक जाता है, ये देख सकते हैं आप लोग भाई, इतना ज्यादा मिट्टी वगैरह चिपक गया है। और मेरे को दोस्तों चलते भी नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से, और ये तो भयंकर इतनी चिपक रहा है भाई नीचे तरफ, और मिट्टी आ रहा है भाई, चलते भी ना बन रहा है, उधर जाके निकालूंगा भाई साइड में। देरी पानी वगैरह चढ़ा था दोस्तों, तो धो लिया भाई अपने स्लीपर को। फिर साथ साथ दोस्तों सीधे मैं नहाने चले गए और नहा के अभी एकदम से चकाचक रेडी हो गया हूँ, और अब बढ़िया लग रहा है भाई। टड़ा, सिंगल बॉडी सिंगल पसली, ये कुछ भी ना है फिर भी शो ऑफ करता रहता हूँ भाई। नहीं मतलब शो ऑफ नहीं है भाई, वीडियोग्राफी में थोड़ा सा हल्का फुल्का, बट सही भी है यार, ये बढ़िया भाई। नॉर्मल ब्लैक पेंट पहने हूँ, और मेरे को आज वीडियो भी बनाना है भाई। इधर बाहर का सीन देखो ना, सिनेमेटिक वीडियो बनेगा भाई, अच्छा बनेगा वो भी। तो दोस्तों वंश भैया मुझे अभी स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तो अभी बाइक निकाल रहा है। वहाँ पास दोस्तों हल्का सा वर्नआउट मारा, अभी जा रहा हूँ दोस्तों मैं निसार के स्कूल, उसको छोड़ने के लिए। तो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं सीन। निसार को छोड़ते हैं दोस्तों, वो जा रहा है इसी स्कूल में, वो इस साल पढ़ाई करने वाला भाई, हाई स्कूल में आ गया। पिछला क्लास उसका 8वीं का था और इस साल 9वीं में आ गया भाई। अभी 2 बज चुके हैं और भूख वगैरह अभी लग रहा था, तो मैं किचन में आ गया हूँ और अभी बनाने वाला हूँ भाई बोटे चीला। ये देखो आटा यहाँ कने बना लिया हूँ भाई, 2-3 बन जाएगा इतने में भाई, ज्यादा नहीं घोर रहा हूँ भाई, ये छोटे से मैं घोर रहा हूँ। यहाँ कने हमारा तेल भी गर्म हो गया, तो अब डालता हूँ। ये देखो दोस्तों इसमें डाल भी दिया हूँ, फर्स्ट टाइम बना रहा था भाई और बिगड़ भी गया। ये देखो भाई इधर का पूरा एरिया कट गया, इधर मेरे को बन भी नहीं रहा यार, बन गया दोस्तों। देखो भाई ये ऊपर खाबड़ बन गया भाई, फिर भी खाने के लिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि टेस्ट होता है, टेस्ट हो गया दोस्तों। बस ये बना थोड़ा सा ना ऊबड़ खाबड़ है, और ठीक है जो भी है अपना बनाया हुआ सबको अच्छा लगता है भाई। ये है मेरा थर्ड राउंड का रोटी, ऐसा काट देता हूँ बट ऐसा बनता है। ये रहा दोस्तों फाइनली रिजल्ट हमारे रोटी का, ये देखो ऐसा है भाई, कोई जल गया है, कोई ऐसा है भाई, कोई आधा कच्चा है, कि कोई पूरा का पूरा पक गया है बढ़िया टाइप का, और कोई तो मतलब पूरा का पूरा टूट ही गया भाई। अब क्या बोलूं मैं, अरे बस तेरे को कुछ भी नहीं बनाना आते रहे, तुझे की क्या करे करे, तू निकल रहे ऊपर रहे। दोस्तों बनाया हूँ मेहनत से, तो खाऊंगा तो भाई। पीसी में केदारनाथ लगा लिया हूँ, इधर रोटी है तो दबा के खाते हैं भाई। ऊपर ऊपर का बस खाऊंगा भाई, बाकी का फेंक दूंगा, नहीं मजा आएगा भाई मेरे को लग भी रहा है। आप लोगों को अभी का सीन देख के भाई लग रहा होगा कि समथिंग 5-6 बज गए होंगे, बट ऐसा नहीं है भाई, अभी 3 बज चुका है, 3:30 समथिंग करीबन। अभी चारों रद्द होकर सीधा दोस्तों मैं छत के ऊपर में आ गया, क्योंकि इतने टाइम से ना घर में था तो मजा उधर नहीं आ रहा था, एकदम सजीव टाइप का लग रहा था, और बाल भी खड़ा ना हो रहा है यार मेरा। और देखो बारिश वगैरह भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, इधर का मौसम देखो, ये चेकआउट करो भाई, क्रेजी है ना डूड, एकदम से देखो ना मौसम काला काला घना घना टाइप का बादल है भाई, इधर से पीछे का एरिया मेरा। मैंने एक कहावत सुना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बट एक्चुअली में दोस्तों आज मैं देख लिया हूँ कि बूंद बूंद से खेत भी भर जाता है। ये देखो भाई तालाब का जैसे पूरा का पूरा भर गया भाई, वाह क्या सीन है। आजकल व्लॉग काफी बड़ा हो चुका दोस्तों, तो इस व्लॉग को कहीं कंटिन्यू करता हूँ। आशा है कि आप लोगों को आज किया व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दिया, साथ ही साथ चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।